हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास कंट्रोलर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है SP602E। ठीक है, SP602E कंट्रोलर का नाम है। और अगर इसमें देखो तो इसमें लिखा हुआ है 4 आउटपुट पिक्सल LED कंट्रोलर, ब्लूटूथ एंड RF रिमोट कंट्रोलर। मतलब कि इस कंट्रोलर से 4 आउटपुट निकलेगा। ठीक है, और 4 आउटपुट को आप ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ मतलब मोबाइल के ऐप से, और RF रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके साथ एक रिमोट भी होना चाहिए। अगर इस डब्बे को हम खोलें, अंदर दिखाएं, तो हाँ एक रिमोट है इसके साथ, और ये कंट्रोलर है, और इसके साथ एक मैनुअल है। ठीक है, तो मैनुअल थोड़ा सा हम पढ़ के आपको बता देते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि ये ऐप से और ब्लूटूथ से दोनों से कंट्रोल हो सकता है, ऐप से और RF रिमोट से। ठीक है, और इसमें 4 आउटपुट निकलेंगे और चारों आउटपुट में आप अलग अलग लाइटें चला सकते हो। और इसमें जो है एक आउटपुट से आप 600 LED चला सकते हो। तो टोटल अगर हम बात करें तो इसमें आप 600 × 4 तो अराउंड 2400 पिक्सल इसमें आप चला सकते हो। और अगर हम आपको इधर दिखाएं तो इसमें ये VCC, ग्राउंड, Data 1, Data 2, Data 3, Data 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका वायरिंग कैसे करना है ये भी इसमें दिखाया हुआ है। अगर इसमें आप देखो तो इसमें प्लस और माइनस दिया हुआ है, और पिक्सल इधर 4 स्ट्रिप लगी हुई है, और चारों में Data 1, Data 2, Data 3, Data 4 से आउटपुट लिया गया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कनेक्शन है, और इसमें रिमोट के जो बटन्स हैं इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। किसी से स्पीड घटता बढ़ता है, किसी से लॉक अनलॉक होता है, किसी से ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है, और 9 फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग 9 इफेक्ट दिए हुए हैं, तो वो सारे हम चला के चेक करते हैं, और उसके बाद इसका जो ऐप होता है ब्लूटूथ से, उस ऐप से भी इसको कंट्रोल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पिक्सल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो पिक्सल के लिए आप मेल कनेक्टर एक ले लीजिए। ठीक है, और ये हमारी जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप में हमने प्लस और माइनस इस सप्लाई से दे दिया कि हार्ड हैट कंपनी की सप्लाई है, तो इसको हम सप्लाई स्ट्रिप को दे देते हैं। ठीक, बस इतना सा करना है। अब हम इसको इसमें लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑन था, तो इसमें देखिए ये एक कलर जलने लगा, रेड कलर। अभी हम इसका जो रिमोट है, रिमोट में इधर देखिए एक पेपर लगा रहता है पन्नी, तो इसको निकाल देते हैं। ठीक है, और इसका रिमोट प्रेस करके देखते हैं। 2 प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें इफेक्ट चेंज हो गया। 3 प्रेस करते हैं तो ये देखिए इफेक्ट और चेंज हो गया। ये देखिए 6 में इस तरह का होने लगा ये। ठीक है, तो ये इफेक्ट आप इसके चेंज कर सकते हो। इससे शायद ब्राइटनेस कम होता है, इससे ब्राइटनेस बढ़ता है। स्पीड घटाने और बढ़ाने का ये शायद ऑटो का है, ऑटो प्रेस कर दोगे तो सारे इफेक्ट बारी बारी से आएंगे। तो आप इसमें इफेक्ट भी बार डाल सकते हो, साथ ही साथ इसमें आप इसका ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो। ये सारा फीचर आप देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिक, है ना, ऑटो में प्रेस किया हमने तो। तो इस तरह से आप इसका जो है RF रिमोट जो है उस रिमोट का यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हम इसका ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐप का नाम इसको, ये देखिए ऐप का नाम लिखा हुआ है सीन एक्स करके है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर में। ठीक, तो प्ले स्टोर में अगर हम जाएं तो इस तरह से ऐप ओपन होगा आपका। यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, डिवाइस ऐड करने के लिए इधर ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक SP602E आ गया है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हुआ तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 चार चैनल दिखा रहे हैं। तो अभी हमने इसको Data 1 से कनेक्ट किया है, तो Channel 1 इसमें काम करना चाहिए। ये हमने ऑफ किया Channel 1 को, तो देखिए लाइट बंद हो गई, ऑन किया तो ऑन हो गई। ठीक है, तो मतलब Channel 1 पे काम कर रहा है। अब Channel 1 पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो है इधर साइड, पहले हम इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, और उसके बाद इधर साइड अगर आप देखोगे तो शायद ये इफेक्ट का है। हाँ, इसे देखिए इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर टोटल हम इफेक्ट की बात करें तो इसमें 40 इफेक्ट टोटल है। अगर आप RF रिमोट से करते हो तो 9 इफेक्ट बदल सकते हो। अगर आप इससे कंट्रोल करते हो तो इससे आप ऐप से 40 इफेक्ट तक अलग अलग सेट कर सकते हो। ठीक है, और उसका स्पीड इससे घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी मैंने कम कर दिया, ये ज़्यादा कर दिया। ये उसका इफेक्ट की लेंथ है, हाँ, कितनी देर तक इफेक्ट चलाना है वो आप इससे सेट कर सकते हो। और उसके बाद इफेक्ट का कलर वगैरह भी साथ चेंज कर सकते हो आप। और इधर अगर आप आओगे तो कोई स्टैंड अलोन कलर अगर चाहते हो, आप ब्लू कलर चाहते हो तो ब्लू हो जाएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर चाहते हो वो कलर आप इसमें से सेट कर सकते हो। आप LED में देखोगे तो सेम टू सेम वही कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको
ऐप को कंट्रोल कर सकते हो। इसका अगर हम आप दिखाएं तो बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर है, और इसको ब्लूटूथ से आप चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ RF रिमोट जो है इसका, इससे भी चेंज कर सकते हो। इसमें अगर हम LED की बात करें तो टोटल 2400 पिक्सल इसमें आप चला सकते हो, ठीक है। हर एक आउटपुट से 600 पिक्सल करके 2400 पिक्सल चला सकते हो। तो ये काफी बढ़िया है, आपका इंडोर पे इसको स्ट्रिप वगैरह लगा के काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये आपको कंट्रोलर खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके SP602 नाम सर्च करके आप इसको खरीद सकते हो, काफी सस्ते रेट में आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएगा।